नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। पिछले 3 दिन हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा ख़राब गए, और इसका पूरा दोष जाता है हमारे दोस्त जैक को। हम 3 दिनों से अपने घर पे बिल्कुल बंद हैं, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पूरे शहर के गुंडे हमें ढूंढ रहे हैं। और एक छोटी सी गलती जो जैक ने हमसे करवा दी, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर हमें उस समय ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि अगर हम जैक के लिए ये काम करेंगे तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो हम ये काम कतई ना करते। लेकिन एक खुशखबरी है कि ये जो पूरा काम हुआ है, ये हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको हम अपनी इतनी बड़ी भूल दिखा सकें। तो आप पहले जाइए, आगे हमारी भूल देखाइए, तब हम आखिर में आपसे और बातें करेंगे। तो कहानी शुरू होती है आज से 3 दिन पहले। हम अपने घर पर अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर अपने सोफे पे ताड़ करके लेटे हुए थे, क्योंकि आप ही ने हमें इस चीज़ का सुझाव दिया था कि अगर हमें अपनी परेशानियों को भुलाना है तो हमें माफिया से बदला लेने के बजाय अपने नए ईमानदारी वाले काम पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम अपने ईमानदारी के काम पर ध्यान दे रहे थे, बिल्कुल एक सच्चे भारतीय की तरह। लेकिन फिर आता है जैक का मैसेज। मैसेज में जैक लिखता है कि ये पॉइंट नहीं है स्टोरी का, दोस्त लोग आपस में ऐसे ही बात करते हैं, बखलोल बखलोल बोलते हैं दूसरे को। तो इतना प्यारा मैसेज पढ़ने के बाद मैं जैक से मिलने बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाते ही जैक मुझे एक ऐसी न्यूज़ देता है जिसको सुनते ही मेरे ज़मीन तले पाँव खिसक जाते हैं। यार क्या बोल रहा हूँ, पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, मतलब ऐसी न्यूज़ थी कि मैं वर्ड्स जम्बल कर रहा हूँ। तो न्यूज़ ये थी कि वो जो माफिया नहीं था जिसने हमारा फैक्ट्री वगैरह पूरी आग वाग लगा दी थी, तो उसने मंगाई है एक नई गाड़ी, और वो गाड़ी इतनी ज़्यादा यूनिक है, मतलब इतनी ज़्यादा यूनिक है कि मेरा YouTube का कंटेंट बन जाता है। यार गाड़ी ऐसी थी कि यार वो चलने की तो बात की बात है, वो उड़ सकती थी आसमान में, मतलब वो पंछी बन के उड़ सकती थी वो गाड़ी। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं चुराएंगे, हम चुराएंगे गाड़ी, हमको कंटेंट चाहिए, हमें माफिया से बदला लेना है। ये 2 चीज़ें मैंने सोची और मैंने गाड़ी चुराने का पूरा डिसीजन ले लिया। लेकिन मुझे क्या पता था यार कि वो डिसीजन इतनी बड़ी गलती साबित होगी। आगे चलो बताता हूँ और क्या क्या हुआ। फिलहाल मैं यहाँ से गाड़ी बदल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से चोरी नहीं करूँगा, नहीं उन्हें पता लग जाएगा यार ये गाड़ी देख के कि ये तो मैं हूँ। तो यहाँ मैं गाड़ी बदल ले रहा हूँ, मतलब अपेरेंटली मैंने एक गाड़ी चुराने के लिए गाड़ी चुराई है, मतलब मैं चोरी की गाड़ी से एक और चोरी करूँगा। अकल देख रहे हो मेरी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार, गेम प्ले वगैरह बना रहा हूँ, मुझे तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी चाहिए यार, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं गेम प्ले बना रहा, हट हट हट। जोश जोश में ज़्यादा बोल गया, किसी कंपनी ने मुझे नहीं लिया। यहाँ पे मैं अपनी एक गाड़ी बदल ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी से तो उसको पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है यार, वो उड़ती है वो गाड़ी, इतनी बड़े घोड़े से पकड़ूंगा मैं? यहाँ पे मैं Formula 1 की गाड़ी उठा लेता हूँ, इससे बढ़िया एकदम पकड़ लूँगा। कितनी छोटी सी क्या गाड़ी है यार, मतलब बढ़िया लग रहा है उसे, देखो मुझे कैसा लग रहा है, एकदम अजीब सी मेरी मुंडी बाहर निकली है, मेरी बॉडी बाहर निकली है, मतलब बच्ची वाली कार चलाने वाली फील आ रही है बिल्कुल प्रॉपर। मैं ज़रा बैकग्राउंड म्यूज़िक दे देता हूँ ताकि तुम भी एंटरटेन रहो और मुझे भी मज़ा आए। चलो पहले तेज चलाता हूँ। जैक यार मेरे को लोकेशन बता, मैं मुँह से म्यूजिक देता रहूँगा क्या? एक तो मेरा एडिटर भी छुट्टी पे, वो भी म्यूजिक नहीं डाल रहा, मुझे मुँह से म्यूजिक देना पड़ रहा है। यार जैक पता कर यार प्लीज़, कहाँ पे? व्हाइट हाउस के पास यार, वहाँ तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए यार, मतलब फिर भी चलो मैं जाके चेक कर लेता हूँ वहाँ। व्हाइट हाउस के पास तो मैं पहुँच गया हूँ। अगर यहाँ पे मेरे को फ्लाइंग कार नहीं मिली तो मैं जैक से पूरा रिश्ता अपना ख़त्म कर दूंगा। फिर हम आगे जाके नहीं बोलेंगे कि चलो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, मैं उससे मिल गया मुझे जैक, ये दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदलते हैं, ठीक है ना? आज से मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का पति, इतनी बड़ी हमारी दोस्ती हो गई। चलो बहुत बकवास हो गई, अब हम अपनी फ्लाइंग कार का तुम्हें टूर करा देते हैं। यार क्या गाड़ी लग रही, मज़ा आ रहा यार, मतलब पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज बाबू राव पिए गार दमन में। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या गाने गा रहा हूँ यार, कितने गन... मेरा एडिटर जब छुट्टी में रहता है ना तो मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, मुझे पता है यार मेरी वीडियो ख़राब हो ही जाएगी, चाहे मेरा एडिटर नहीं होता तो मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है, तो फिर चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूँ मतलब ही नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी बोल लेता हूँ। तो अभी हमारी गाड़ी का हम तुम्हें टूर करा दे रहे हैं, देखो यार क्या गाड़ी है, मतलब जिनके पास भी बुगाटी है ना इस गेम में, जो मेरे सामने चौड़ते हो आके अपनी वीडियो में चौड़ से बुगाटी का थंबनेल लगाते हो, देखो ये होती है गाड़ी, तुम्हें बुगाटी में भी तुम ट्रैफिक में फंसोगे लेकिन इस गाड़ी से तुम कभी नहीं फंसोगे, और स्पेसशिप से भी ज़्यादा यूनिक ये गाड़ी है। माफिया ने जियो को काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन मेरी फैक्ट्री चलाई उसने, वो काम गलत था, बट ये काम बहुत अच्छा किया, मुझे मज़ा आ रहा है इसकी गाड़ी चलाने में। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो महंगी महंगी गाड़ी चला रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है, तो रुको जरा सबर करो, अभी थोड़ी देर में ही मुझसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल हो जाएगी।
काफ़ी देर हो गई यार ये गाड़ी चलाते हुए, रुको इसको यार रोक देता हूँ, फोटो वोटू ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, थोड़ी पॉपुलैरिटी वगैरह बढ़ जाएगी। रुको फोटो लेता हूँ गाड़ी के साथ, फ़ोन का है मेरा। अबे गाड़ी क्यों आगे जा रही है, अबे गाड़ी आगे क्यों जा रही है भाई, रुक रही नहीं। मैं जैक से बात करूँ यार, जैक ने मेरे को कौन सी गाड़ी पकड़ा दी। एक फ़ोटो ले लेता हूँ, थंबनेल के काम आएगी पहले तो। ये तो निकल रही है यार मेरे हाथ से, ये क्या लॉजिक हो गया यार, माफिया भी गया गाड़ी भी नहीं। यार ये मैं क्या करूँगा यार, माफिया मेरे को छोड़ेगा नहीं यार, माफिया से मैंने पंगा तो ले लिया गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी भी नहीं मेरे हाथ में। यार मैं बंद करता हूँ फ़ोटो लेना भाई, तो पगला गाड़ी मेरे हाथ से जा रही है यार। जैक 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 रुको, मैं जैक को कॉल करके आया। तो मेरी जैक से बात हो गई है, पहले तो 9.5 मिनट उसने मुझे एकदम दिल से गालियाँ दी, और उसके बाद बचे हुए टाइम में उसने मुझे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज दिया। तो ये थी हमारी कहानी, आज तीसरा दिन चल रहा है और काम पे जाना तो छोड़ो, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। हमारे घर के पास जो राजू नींबू पानी वाला है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं कि नींबू पानी पी सकें, ऐसे हालात इस समय हमारे हो रखे हैं। और हम आपसे भी क्षमा चाहेंगे कि आज हम पूरे टाइम अपने घर में ही रहे, आपको इतना एंटरटेन नहीं कर पाए क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बस एक बार हमारा जैक से कॉन्टैक्ट हो जाए तो हम वादा करते हैं कि महाकाल की कसम इस माफिया से बदला लेकर रहेंगे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, खून की नदियां बहा देंगे, पर माफिया से तो हम बदला लेकर रहेंगे। अब आपका एक छोटा सा काम है, आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि माफिया को पता चले कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हम माफिया से बदला ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अब स्टोरी सीरीज रेगुलर आएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे परसों, तब तक के लिए हमारी ये शुद्ध हिंदी को आज़ादी दीजिए। जैक वर्धन मिश्रा अब आपसे मिलेगा परसों। आज एक सैड सा म्यूजिक डालता हूँ क्योंकि हमारा मूड बड़ा ऑफ है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाए।